कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है गणेश कर। आज हम लोग आज हम लोग बहुत समय बाद एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आप जैसा कि मेरे को देख सकते हो, मैं एकदम सुकड़ा सा एक्सेलोटिल बना पड़ा हूँ। और आज से हम लोग एक माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक ऐसी वैसी सर्वाइवल सीरीज नहीं है, ये एक सरप्राइज है। इसका मतलब ये एक मल्टीप्लेयर सर्वाइवल सीरीज है और इस पर मैं खेलने जा रहा हूँ बैड बॉय गेमिंग के साथ। आपको याद होगा मैं पहले भी उसके साथ बहुत सारी वीडियो कर चुका हूँ, तो अब चलिए उसके पास चलते हैं और सीधे उससे मिलते हैं। तो हाँ, कैसा है बे? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ भाई। भाई तू कैसा काला सा हो रखा है? अबे इंडियंस ऐसे ही होते हैं, रेसिस्ट मेड बन। और तू क्या है भाई, एक्सेलोटल है क्या? हाँ भैया, ब्लू एक्सेलोटल हूँ। सबसे रेयर स्किन है मेरी पूरे माइनक्राफ्ट में। पहले तो पतले क्यों है? वी आर फिट मैन, नॉट लाइक मोटे यू। चल आजा, अभी पेड़ तोड़ते हैं। चल आजा। तो गाइस, हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है, ये अब चलने वाली है बहुत सारे पार्ट तक। जब तक हम अब बहुत सारे जब तक आप लोग कमेंट नहीं कर देते कि अब बंद करो इसको, भाई जब तक आती रहेगी। चलो सबसे पहले गुड माइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्टेप है गैदर टूल्स। ये सबसे फर्स्ट चीज होती है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आने के बाद। ओके, मेरे पास आ चुके हैं चार। उन लोगों को तेरे से ज्यादा पता है, उनको क्या सिखा रहा है? मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया भाई, तू मत बना। तो तू दिख तो जा मेरे को। कहाँ है तू? मैं यहाँ पे सुअर का बच्चा, मतलब सुअर है। नाइस, मार दे उसे। नहीं मारूंगा मैं। चल, ये मैं तेरे जैसा कातिल नहीं हूँ। मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक पिकैक्स, स्टोन माइनर। मैं सबसे पहले बनाऊंगा डंडिया। मैंने तो कभी बनाई। इसको बोलते हैं ऊंची सोच, हाई लेवल। मालूम है कि नहीं है बात? अरे तेरे से पहले से मालूम थी। अभी ये तलवार दिख रही है, सीधे पेट में घुसा दूंगा। अबे तू भी पागल ही है, वहाँ सामने दीवार में स्टोन है तो नीचे घुस गया अंदर। अरे मैं हूँ पागल, मैं एक्सेलोटल, मतलब बड़े दिमाग वाला एक्सेलोटल नहीं हूँ तेरी तरह। हाँ ये भी सही है। ओके गाइस, तो मेरे वो बहुत सारे टूल्स बना लिए अभी, तो मैं माइन करता हूँ थोड़ा सा स्टोन। और यहाँ पर कोल है, तो मैं कोल माइन कर रहा हूँ भाई। तू आयरन दे क्या, आयरन अगर मिल जाए तो। हाँ नहीं, मतलब सस्ते काम तू करेगा, महंगे काम मेरे से करवाएगा। हाँ बिल्कुल। और फोकट का खाएगा। नेदरराइट टूल, नेदरराइट टूल आ, और मैं वो लाता हूँ डायमंड, कॉपर, कॉपर। अब ये तलवार दिख रही है वुडन की, वैसे तो पेट में नहीं घुसेगी, तो मैं मुंह पे ऐसे थप्पड़ जैसे मारूंगा। नाइस, मेरे पास बहुत सारा कोल आ चुका है। और अभी भी भाई कितनी बड़ी वेन है कोल की है भाई। भाई ये है ना कोल, कोल होता है, कोल से पंगे नहीं लेना, कोल मार डालेगा, कोल जला देता है। हाँ तो भाई मेरे पास 14 कोल आ गया है, तो मैं अभी जाता हूँ ऊपर। आ जाओ ऊपर। ओ भाई मेरे पे इनफ ब्लॉक्स नहीं है, मेरे को आप बाहर आने दो। ओके मैं बाहर आ गया। बेटा ये देख रहा है मेरे हाथ में? क्या है तेरे हाथ में? देख जरा मेरी आंखों में, आंखें डाल के देख पीछे। कितना कॉमेडी है ये भाई। भाई तेरे पास ये एनिमेशन वाली टी शर्ट कैसा है, मेरे को भी चाहिए। अरे ये मैंने खरीदी है बिल्कुल माइनक्राफ्ट कॉन में। ये देख बेटा, ये जो तलवार दिख रही है ना, अब तो मेरे पास स्टोन की तलवार है, तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सही सही बता। मेरे पास भी है ना, मैं छड़ी मारूंगा, मैं टीचर हूँ तेरा। मेरे पास भी है छड़ी। चल अब यहाँ से निकलते हैं और एक अच्छी जगह ढूंढते हैं अपना घर बनाने के लिए। ओके तो वो डैमेज कैसे लिया तूने? भैया प्रो प्लेयर कैसे भी डैमेज ले सकते हैं। मैं इतने सालों के माइनक्राफ्ट खेलते समय मैंने क्या सीखा, यही सीखा। नाइस, तो वहाँ पर शुगर केन है, वो ले लेते हैं, अपन को बहुत काम आएगी। और तू देख, तू जाके, ओ मेरे को शीप मिल गई बेड बनाने के लिए। तू जा और शीप मार, खाना ले आ, मैं जाता हूँ ऐसे ही, मतलब विलेज वगैरह और सप्लाईज। अबे साथ में चलते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। ओ भाई यहाँ पे स्वैम्प बाय। ओ भाई ये कैसी आवाज थी? मेरे को डर लग रहा है भैया। मेरे को भी डर लग रहा है। अबे मेरे को है ना ये डुक्कर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए भेड़। ओके तो मेरे पास काफी सारी चीजें होती हैं। तू अभी मेरे साथ आ, मेरे पास आ। मतलब एक मिनट रुक, इन्वेंटरी सेट करने दे। नाइस, हो गई इन्वेंटरी मेरी, एंड लेट्स गो। कहाँ है कनिष्क भाई तू? ये रहा। बाय द वे, तूने अपनी वीडियो में शायद से इंट्रो में ऐसा बोला कि एक्स्ट्रा 2590 के साथ खेलने वाले हैं। हाँ। पर एक्चुअली वो है नूब गेमिंग ही। हाँ, हम ये नूब गेमिंग है, बस उन्होंने नाम चेंज कर लिया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये पागल है। हाँ। बहुत सारी उसमें से व्हाइट वाली का वूल मेरा, ब्लैक वाली का तेरा। ब्लैक नहीं, ये ग्रे है। हाँ ग्रे वाली का तेरा, व्हाइट वाली का मेरा।
वो वहां पर गाय है, सबसे गाय नहीं इस तरफ चल, कहां है इधर ही चलते हैं यार, मैं खड़ा हूँ मशरूम के पेड़ पे। ओके तो मेरे को लाइट ग्रे डाय मिल गई बहुत सारी, मतलब मैं लाइट ग्रे वाला बेड बनाऊंगा अपना। ओ भैया वो व्हाइट वूल मेरी है, मेरे को चाहिए वो। ओ भाई इधर एक स्वाम्प बाय हूँ मैं, पता तेरे पास कितनी वूल है? पूरी एक। नाइस, मेरे पास भी, मेरे पास दो ग्रे वूल है। तू ना उसको क्यों कन्वर्ट कर रहा है? तेरी व्हाइट वूल दे दे, मैं एक ग्रे बेड बना सकता हूँ उससे फिर। पर वो तू रखेगा? नहीं तू रख लेना। पक्का? पक्का। आधा फिर पहले मेरे को यहाँ से खाना लेने दे, क्योंकि खाने की बहुत जरूरत पड़ेगी अपन को। हाँ। ओ भाई मुर्गी काम आ रही है, इधर आ। मुर्गी को मारो, मुर्गी को मारो। नहीं ये रही मेरी क्राफ्टिंग टेबल पर्सनल वाली। ओ भाई यहाँ पे दो पेग है, अब इसको डालो अंदर, और इधर डालो ये, अब इधर डालो ये। Okay, इसको बोलते हैं गाइस माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक्स, मतलब कि अगर आपने वुडन टूल्स तो सभी बनाते हैं, फिर आप स्टोन पे अपग्रेड होगा तो वुडन टूल्स को कोल की जगह जला दो। yes. कैसा लगा मेरा आइडिया? स्मार्ट ट्रिक, मैं भी यही करता हूँ। तो गाइस मैं अभी बना रहा हूँ एक स्मोकर, ताकि अपन खाना स्मेल्ट कर पाए। स्मोकर नहीं पहले मेरे पास आ। अरे एक मिनट रुक जा, मेरे को ये चाहिए थोड़ा सा स्टोन स्मोकर बनाने के लिए। अच्छा हाँ, ऐसे कैसे चाहिए? ऐसे ही चाहिए बस। हाँ यार मेरे को बेड चाहिए। वूल है ना तेरे पास? हाँ एक है पर। भाई रात होने वाली, अपन को जल्दी से बेड बनाना पड़ेगा यार। बिल्कुल। तो ओके भाई लोग, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये मेरे पास पूरा 5 पोर्क चॉप हो चुके हैं, वो भी कुकड वाले, मतलब कुकड वाले। तो गाइस मेरे पास आ चुका है एक स्मोकर, और इसमें अभी हम बनाएंगे हमारा ये पोर्क चॉप, पकाएंगे पूरा। अब इसको खाते हैं एकदम पतले जहरीले तरीके से। भाई कितनी तेज खाते, कितनी डकार मारने की आवाज़ इधर तक आ रही है। कुछ भी मतलब कोई भी बत्ती दो। अरे सच में आवाज़ आ रही है भाई। ओके तो यार भाई अब देख। हाँ हो रही है रात, तो मेरे को बेड चाहिए। ओ भाई जल्दी बकरी ढूंढ भाई, मेरा हंगर भी बहुत कम है यार, मैं मर जाऊंगा। मेरी तो आज मैं तेरे को 3 कुकड़ पोर्क चॉप दूंगा। कुछ नहीं मिल गया अब मेरे को। ओके मेरे को एक दो दोनों शीप मिल गई। नाइस जल्दी लो। लिया क्या मेरे? उनका वो ले मार दे। हाँ तो अब मेरा क्राफ्टिंग टेबल प्याला प्याला था, उसको तो मैंने वहीं छोड़ दिया। तो अपन पेड़ की कमी नहीं होती माइनक्राफ्ट में। बिल्कुल भी, एक ही चीज़ है जो सबसे सस्ती हो है, डर्ट और वुड। बिल बेटा सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ बताऊँ क्या है? डायमंड। अरे नहीं नेदरराइट का चेस्ट प्लेट सबसे सस्ती चीज़। अरे वो तो मैं अभी हाल ही क्राफ्ट कर दूँ, पर एक शर्त है। अरे ये अभी लावा में फेंका, वो बात अलग है कि जला नहीं। पर एक शर्त है। क्या? मेरे को क्रिएटिव में जाना है। भाई मेरे को बस एक वूल चाहिए भाई, रात हो गई मैं सोनी। ओके तो मेरा बिस्तर बन चुका है। मेरा नहीं बनाना, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को सोना है। तू एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए फिर वूल ढूंढता हूँ, रुक जा। बड़ी ही कड़ी रात निकल रही है ये माइनक्राफ्ट के अंदर। यस तो अभी दोस्तों यार हम लोग सीधे है ना बेड बना के सीधे सुबह करके मिलते हैं आपसे। हाँ भाई कैसा लग रहा है? उठ के सुबह हो गई, अब कोई मारेगा नहीं अपने को, सारी थकान चले गई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और हमारा खाना भी पक चुका है एकदम मस्त। मेरा आज हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मेरे को बहुत सारी भूख लग रही है। वैसे रात को बहुत ज्यादा हेल्थ आप मेरी भी देख सकते हो, अभी भी स्केलेटन से बहुत सारे। इनको तो मैं मारूंगा, इन्होंने जितना मेरे को परेशान साले हैं पहले क्यों। भाई ये कितनी जल्दी रिलोडिंग कर रहा है, नहीं एमबॉट नहीं, रिलोड स्पीड डबल करते हैंड ऑफ होप वाली फ्री फायर वाली। नाइस तो मैं अपने हाथ में कुक्ड पोर्क चॉप तो नहीं, लेकिन कुक्ड बीफ जरूर रखूंगा। और दोस्तों यार आप है ना कमेंट करना अगर आपको मेरे चैनल पे फ्री फायर की वीडियोस भी देखनी हो तो। यस गाइस, क्योंकि फ्री फायर अभी बहुत अच्छा गेम है हमारे हिसाब से, और हम खेलना भी बहुत पसंद करते हैं उसे, तो आप जरूर बताना। खेलना पसंद करते पर बिना कैरेक्टर स्किल और गन स्किन के। हाँ, क्योंकि आपको तो पता है कि फ्री फायर अभी बहुत ज़्यादा अनफेयर गेम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हाँ। अभी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो हम जरूर खेलेंगे अगर आप कमेंट करें तो। चल भाई कहाँ चले? घर बनाने अच्छी जगह। एक काम करते हैं विलेज ढूंढते हैं सबसे पहले। कहाँ है? कहाँ तू? तेरे पीछे बेटा, मैं पतली पतली टांगों से तेरे से तेज दौड़ता हूँ। ये और शीप्स को मारते चल। Let's go.
भाई वन टैप मार दिया मैंने इनको। मैंने भी तो भाई यार चलते हैं अब जल्दी यार, विलेज बहुत दूर होती है यार स्पॉन से हमेशा। हाँ और अपन तो और भी अनलकी लोग हैं। अपन दुनिया के टॉप 10 अनलकीएस्ट लोगों में से आते हैं। ये क्या लावा पूल है? नहीं ये तो वाटर पूल है। क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि इस पे भी वो काम करता है कि नहीं, जैसे लावा पूल में अपने साथ धोखे हो जाते हैं ना। हाँ वो भाई मेरे को डैमेज लगा। अच्छा फॉल डैमेज लग गया मेरे को। क्या बे ओके तो उधर वो मैसा भाई हूँ पर यहाँ पे अपने को आना नहीं क्योंकि अभी अपने को विलेज ढूंढनी है तो अपन का मेन लक्ष्य विलेज ढूंढना होना चाहिए तो उस साइड चलते हैं अपन। चलो तो यार अब दोस्तों अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग बोर हो जाओगे तो सीधे विलेज पे मिलते हैं। तो यार दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमको विलेज तो मिल ही नहीं रही और यार अब आगे और चलना पड़ेगा। भाई विलेज मिल गई। ओ ये ओ भाई क्या सीन है यार मस्त एकदम। बोलते ही विलेज मिल गए गाइस। सबसे पहले तो हेबेल लूटो पूरा खाना उड़ा दिया। यस मैं तो सबसे पहले ये लूटूंगा भाई सारे पोटैटो। क्या बात है और रुइन पोर्टल लिख गई। रुइन पोर्टल है उसको वो मैं लूटूंगा। जल्दी भाई ऊपर से ना शायद हल्की सी मीडियम स्केल वाली रुइन पोर्टल है और वो कंप्लीट हो सकती है क्या? चेस्ट खोल के देख। दो ऑब्सिडियन मिल गए और भाई 35 आयरन इंगोट और शार्पनेस 3 वाली गोल्डन सॉल्ट ओपी। और भाई ये कंप्लीट हो सकती है क्योंकि उसमें एक भी भाई मैं ऑब्सिडियन है ना यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देख अपने को है ना अभी 1 2 3 ही ऑब्सिडियन और चाहिए। ओके पर वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे नेदर में। इस वीडियो में हमारा टास्क है घर बनाना और अपनी गेम को सेव करना वहाँ पे। तो लेट्स गो भाई आयरन गोलम मेरा है। अबे मार मत अपन इस विलेज में। अरे तो अपन है क्या? अपन प्रो हैं। मर जा रहे जल्दी मारूंगा मैं सोच रहा हूँ क्रिटिकल मारूं पर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं CPS का फायदा उठाऊंगा। और इसी के साथ मेरे को भैया मैक्स 5 आयरन मिल गए। नाइस लेकिन मैक्स 5 नहीं होते। 5 ही होते हैं मैक्स ड्रॉप 5 ही होता है। हाँ मुझे लगा लूटिंग से ज़्यादा मिलते हैं। आप भी कमेंट में बता अरे बिना किसी चीज़ के गए आप मेरे को बताना कमेंट में कि क्या होता है मैक्स ड्रॉप। ओ मुझे अभी समझ आया लूटिंग आयरन गोलम पे वर्क नहीं करती। नहीं करती क्या? मैं बायोनिक की वीडियोस देखता हूँ। बायोनिक कौन है? बायोनिक एक माइनक्राफ्ट प्रो है जो बहुत सारे मैच करता है। अच्छा ओके मेरे को ब्लास्ट फर्नेस मिल चुका है। नाइस अब बस अपन को आयरन आर्मर बना के घर बनाना है। मेरा तो अब भी बन जाएगा आयरन आर्मर। मेरा नहीं बनेगा ना ब्रो बिकॉज आई एम प्रो। ओह ये बॉय इसी के साथ मेरी आयरन की चेस्ट प्लेट बन चुकी है। मेरा तो कुछ भी नहीं बना पर मैं क्या बनाऊँ मैं सोच रहा हूँ एक बकेट बनाऊँ MLG करने के लिए। भाई मेरे पास बहुत सारा वो सामान। भाई मैं क्या बनाऊँ? सबसे पहले तो एक स्टेशन बनाते हैं जहाँ पर स्टेशन की ऐसी की तैसी। मेरे पास 9 आयरन इंगोट है क्या बनाऊँ? तू पैंट्स बना ले। पैंट्स जब मैं चेस्ट प्लेट ही बना सकता हूँ। ओ चल चेस्ट प्लेट और पिकैक्स बना ले। चेस्ट प्लेट और पिकैक्स के लायक आयरन नहीं है या तो सिर्फ पिकैक्स बना। पिकैक्स ज्यादा जरूरी है। पिकैक्स और बकेट एक वाटर बकेट और एक पिकैक्स बना लेते हैं। ओके मैंने चेस्ट बना लिया। ओके तो मैंने बना लिया है ये सब और मेरे पास अभी कुछ है मेरे पास 8 ही वो है क्या क्या बोलते हैं उसे। अब पहले तो सो जा भाई सुन। हाँ अब एक काम करते हैं पहले तो यहीं सो जाते हैं। हाँ यार सोना जरूरी है पहले। मैं तो सो गया। मेरे को बताना कि एक लेटा हुआ एक्सेलॉटल कैसा लग रहा है। देखते हैं। सो जा ब्रो। ओ भाई बहुत कॉमेडी लग रहा है भाई। कैसा तू भी सो जा। ओके मैं अपना बेड। तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है बाय द वे? ऐसे ही मजे में। चलो मैं तो सो गया गाइस। अब देखते हैं कि सुबह क्या होता है। हाँ बिल्कुल। हो फाइनली उठ गए। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज अपन लोग थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे। आज हम खाएंगे ब्रेड। मैं भी बहुत सारे हेबेल्स तोड़ के अभी लाया हूँ और मैं बना रहा हूँ बहुत सारी ब्रेड। हो फाइनली अब एक काम कर मेरे पास एक ओपी आइडिया है। काश ये माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन होता। हाँ यार भाई कितनी सारी ब्रेड है मैं अभी तक टैप ही कर रहा हूँ। ओके तो ये तो मेरा हो जाएगा अभी हर 5 मिनट में। नाइस
ओए सुन मेरे पास, ओ सॉरी नहीं ब्रो मैंने कुछ करा ही नहीं सॉरी। तूने उसको हिट कर दिया क्या? अरे रुक जाना एक जगह खड़े हो ले। हाँ तो सुन भाई तू मेरे पास में आ, मैं तेरे को एक चीज दिखाऊं क्या? क्या मेरे पास में आ गया मैं। ये देख मेरे हाथ पे देख एमराल्ड। नाइस yeah. कैसे मिले तेरे को? ट्रेडिंग। ओ नाइस। सबसे ये क्या किसी फार्मर को कैरेट? ये मेरे पास ही पड़ी, मैंने कैरेट से ही तो ट्रेड करा। नाइस भाई मेरे को यार एक चीज नहीं समझ भाई, ये फार्मर स्वयं में बीज उगाता भी है? हाँ उगाता है भाई। मेरे को लगा ऐसे ही पागल बनाने के धंधे रहते हैं उसके। ओ क्या आप सुन बोल, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। अरे एक मिनट भाई अपना सामान एडजस्ट कर लूँ मैं। भाई ये एक एमराल्ड के बदले ये क्या है? रैबिट्स 2 दे रहा था, मैंने गलती से ले भी लिया। अरे यार मैं तेरी चेस्ट में मेरा भाई गाइस। ये भाई तूने क्या क्या धर रखा है चेस्ट में? अरे ये तो विलेज का सारा लूटा हुआ। चलो तो फिर आधा मैं ले लेता हूँ। अरे यार ये मेरा सामान है। मैंने खाने पीने की ही चीजें ली है, बदले में तेरे को एक बहुत खतरनाक चीज दे रहा हूँ। क्या चीज? ये देख अभी आएगी। रैबिट स्टू। यस अबे बेटा किसी को नहीं मिलता ये। वाह भाई ये ले जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू। अभी सुन बोल, तू मैं वुड कलेक्ट करता हूँ और तू बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर, तो अपन एक वुड और स्टोन ब्रिक का कतई मिक्सचर वाला घर बनाएंगे। ओके कैसा लगा मेरा आइडिया? मैं जाता हूँ माइंस में स्टोन कलेक्ट करने। हाँ और मिले तो आयरन भी ले आना। ठीक है आज का अपना गोल है घर बनाना। हाँ। और आयरन का फुल सेट आर्मर। ओके तो मैं घर बनाने के लिए वुड निकालता हूँ और तू स्टोन और वो सब ले। बहुत सारे पिकेट्स बना रहा हूँ। बहुत सही बहुत सही। और अपन मिलते हैं सीधे अपना सामान सारा कलेक्ट करके। ओके तो यार दोस्तों अब मैंने सारी इन्वेंटरी मेरी मैनेज कर लिया और अब सीधे माइनिंग पे चलते हैं। लेट्स गो। Young Ting, you going crazy. Oh no, no. King, this is fuego. Can't breathe in toxic skies. तो भाई माइन कर लिया तूने सब? हाँ भाई देख भाई कितना कोबलस्टोन माइन कर लिया मैंने। मेरे को तो एक ही दिख रहा है हाथ में, अभी वो भी गायब हो गया। 4 स्टैक है मेरे पास बिल्कुल। चल ठीक है। और मैंने ना पता है 64+39 लॉग माइन कर लिए, तो इसके अपन वो बना लेते हैं प्लैंक्स। नाइस तो चलो तो अभी फटाफट रुक जा पहले मैं बहुत सारे भाई मेरी इन्वेंटरी क्या फिलअप हो गई क्या? नहीं तो गाय आप ये ASMR एंजॉय करो। यार इसमें शिफ्ट वाला कुछ फंक्शन नहीं होता क्या जैसे पीसी में होता है? तो भाई अब मैं तेरे को बताता हूँ तू मानेगा नहीं मेरे पास कितने ऑकवर्ड प्लैंक्स है। 1 2 3 4 5 6 स्टैक प्लस 28। ओ भाई मेरे पास थोड़ा सा ऑकवर्ड प्लैंक्स और ले ले। अबे अपन अभी मेरे को नहीं चाहिए तू, मैं तू बोले तो मैं एक स्टैक उधारी पे दे दूँ तेरे को। अरे नहीं चाहिए। अब एक काम करते थोड़ा विलेज से दूर बनाते प्लेन जगह पे घर। ठीक है तो अपन जब रास्ते में आ रहे थे तेरे को याद होगा अपने को मिली थी क्या? प्लेन जगह। हाँ मिली थी। पूरे मेरी चेस्ट से क्या चुराया? कुछ नहीं चुराया। ओके तो आप सुन तू तेरा सारा तू जो है ना 2-4 फर्नेस बना ले और कोल तो तेरे को मिल ही गया था। लेकिन बहुत कम कोल है भाई। अरे ठीक है ना। ठीक है फर्नेस यार ज्यादा नहीं क्योंकि अपने पास फिर हाँ। नहीं रहेगा। अभी तू तेरा सारा वुड उठा कॉबल स्टोन उठा के मेरे साथ में चल। ठीक है यहाँ से कोल हटा लेता हूँ और ये कॉबल स्टोन लेते हैं। अभी इसको स्मेल्ट होने दो थोड़ा सा। चल ओ भाई वांडरिंग ट्रेडर मारो इसके नाम पर। हाँ ये लीड देंगे। आ जा ओ साला मेरे को थूका मार। वो है उसे। एक काम करते पहले सो जाते हैं। ओके मैं तो मैं बना लेता हूँ एक लेदर की कैप। भाई यू देखो तो सही गाइस आप टॉप लेफ्ट में यू कैन स्लीप ओनली एट नाइट। भाई ये तुमको रात होती हुई नहीं दिख रही क्या? गंवारो माइनक्राफ्ट वालों भाई नॉच ये क्या करा तूने? वही तो यार सो गया मैं सो गया फिर से एक सोता हुआ एक्सेलोटा। मैं भी सो गया भाई।
ओके तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं तो भाई खाने की जरूरत ही नहीं, मेरा अंकल फुल है। नाइस, मेरा नहीं है, मेरी हस्बैंड का, मैं उसने कुछ फूल दिया मेरे पे। मैं मेरी पानी की बाल्टी ले लेता हूँ, ले ले, और उसमें पानी भर लेता हूँ। भर ले। भर लिया, चल अब साथ में। ओ यहाँ पे घोड़े का बच्चा देख तो सही, कितना क्यूट है। हाँ मैंने देखा है। देख भाई वैसे तो ये मेरे से बड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं एक एक्सेलॉटल हूँ। हाँ। पर मेरे से छोटा ही है। वैसे बाय द वे, वैसे तो मैं माइनक्राफ्ट का ओजी हूँ इसलिए, पर तू है नहीं है पता नहीं, इसलिए मैं तुझे पूछता हूँ, क्या तुझे मालूम है कि माइनक्राफ्ट का सबसे छोटा मॉब कौन सा है? ओ सॉरी, मैंने गलती से तेरे को हिट कर दिया। तू भी मरेगा। अरे यार प्लीज सॉरी। बदला। अरे यार दिस इज कॉल्ड टिक फॉर टैट। हाँ अब मेरे को पहले सवाल का जवाब दे, आज का तेरा क्वेश्चन है। ओके पूछ कि माइनक्राफ्ट का सबसे छोटा मॉब कौन सा है। माइनक्राफ्ट का सबसे छोटा मॉब होता है बेबी टर्टल। बिल्कुल सही, इसलिए तेरे को मरना पड़ेगा। अरे नहीं। चल अब साथ में जल्दी। अरे मेरा भी खाना पक रहा है यहाँ पे। अरे खाना मैं तेरे को दे दूंगा, मेरे पास 7 मटन है, 8 स्टेक है, 4 ब्रेड है। वैसे तो आप तेरी चुराए हुए पर चल। चलो ठीक है ये ले लेते हैं अभी। आ मेरे पीछे पीछे है, नहीं तो सही में भी अब तलवार घोप दूंगा अंदर। अरे भाई मेरी पिकैक्स से टूट गई, मैं ले ही नहीं सकता, मेरे पे वुड है वैसे। भाई ओए गवार, मेरी क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर बैठे रहते। बेटा मेरे पास शार्पनेस 3 वाली गोल्डन स्वॉर्ड है। रहने दे भाई, बहुत मेरे को खत्म कर देगी ये स्वॉर्ड। तो ये सारा सामान यही छोड़ के चले? अरे चलना है यार, अपने पास बिल्डिंग का ही सामान चाहिए अपने को अभी। ठीक है तो ब्लॉक्स वगैरह ले लेते हैं, ये फर्नेस ले लेते हैं, और यहाँ से ये कोल ले लेते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। अरे कोल एक्चुअली। अरे चल साथ में, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। चलो कहाँ चले? मेरे पीछे पीछे आ बस। ओके पीछे चल रही है तू, पीछे चल रही है। वे तू बहुत गंदा गाना गाता है रेंदे। बड़ा कंटेंट है कंटेंट। ओ यहाँ पे कुत्ते का बच्चा, मतलब कुत्ता है। ओ मेरे पास बोन है, मेरे पास बोन है, मेरे को दे दे प्लीज। बोन तो वहाँ पर रखी है, मैं लेके आता हूँ। देखते हैं ये कुत्ता किसका होता है, उस पर ध्यान रख दू, नजर रख उस पर। अबे तेरा ही होगा ना जब तू टेम करेगा तो। अरे नहीं तेरे पास बोन नहीं है क्या? नहीं है। ओके मेरे पास है एक बोन, तेरी चेस्ट में है 3 बोन। तो मेरी तो दे दे मेरे को, मेरी दे दे मार दूंगा मैं। अरे यार कुत्ते को भी मार दूंगा, मेरी 3 बोन दे मेरे को। अरे यार तूने मेरे से तो नहीं चुराई है, पागल है क्या? मैंने स्केलेटन मारे थे वीडियो में याद हो तो। हाँ तो यार वो तो यार उनने मेरे को मारा था, मतलब नहीं कुछ कुछ मतलब कुछ नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसा मैटर करता है दुनिया में, पैसा मेरे पे ज्यादा है तो कुत्ता भी मेरा होगा, बस तेरी एक हड्डी में ना पड़ जाए वो। कहाँ है कुत्ता? कुत्ता कहाँ है? कुत्ता कहाँ गया? कुत्ता कहाँ है? कुत्ते तेरे लिए हड्डी लाया हूँ मैं। मैं भी कुत्ते, मेरी वाली ज्यादा अच्छी हड्डी है, मेरी वाली फ्रेश है, स्केलेटन वाली नहीं है इसकी तरह। तो तूने किसको मार के ली बे? एक और कुत्ते को। कुत्ते ही तेरे को तेरे ही भाई की हड्डी खिला रहा है, देख तेरे से पाप करवा रहा ही है। अरे है कहाँ कुत्ता? अबे कुत्ता यही मिला था यार, गायब हो गया। ये चीटर कुत्ता है साला, मारो इसको। कुत्ते का भूत कौन सा होता है वे? कुत्ते का भूत होता है। चल आजा खैर छोड़ो इसको, अपन तो प्लेन्स बायोम है। हाँ इसलिए तो मैं तेरे को इधर लेके आया, बिल्कुल यहीं पे अपना घर बनाते हैं अपन, और फ्यूचर में अगले अगले पार्ट से आते ही अपन पूरी पहाड़ी गायब कर देंगे। ओके चलो मैं लगा दे। देख इधर पे केव भी है, बहुत सही जगह है बे। ओ भाई इधर चल, ये यहाँ पे लगाते हैं एकदम प्लेन, कतई जहरीला ओपी इन द चैट एरिया है। ओके तो मैंने यहाँ पर ये कॉबलस्टोन डाल दिया इधर, यहाँ पे मैं पानी डाल के सभी घास फूस क्लियर करता हूँ। किधर? अच्छा भाई एकदम प्लेन एरिया है वो कतई, और मैसा बायोम भी है पीछे जो कि एक अपना मतलब लकी स्पॉन है। केव के अभी सुन, अरे कोल यहाँ पे, कोल की जरूरत है क्या स्मेल्ट करने के लिए? आयरन, कॉपर बोल रहा हूँ, कॉबलस्टोन। ओए बॉय ओके तो अब मैं फटाफट से ये मैंने सारा एरिया क्लियर कर दिया घास फूस से। ओ भाई बहुत डैमेज लग गया यार, अब मैं सीधे वुड का घर बनाता हूँ एक बना, और अपन उससे फ्लोरिंग कर लेंगे स्टोन ब्रिक से। नाइस। अब गाइस मान लो कि आप पॉकेट एडिशन खेलते हो। हाँ। और आपको करनी है एकदम फास्ट बिल्डिंग,
तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे स्प्लिट कंट्रोल्स ऑन करने हैं और मतलब कि दो या तीन चार जो भी आपकी हाइट की वॉल है वो बजानी है। और ऐसे करके जैसे आप फटाफट से व्हाट्सएप पे टाइप करते हो ना वैसे खाली प्लेस करते जाना है ऐसे बिल्कुल। ये देखो प्लेस, इसको बोलते हैं स्प्लीड। स्प्लीड स्प्लीड क्या होता है? स्प्लीड। ओके तो ये दो चार प्लैंक गलत लग गए पर अपने पास प्लैंक्स की कमी नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स गो। तो यार ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अपन ने अपने घर की पूरी बाउंड्री बना दी। एक रेक्टेंगल सा टाइप का घर होने वाला है जो कि विड्थ में चौड़ा होगा। अभी ऐसा डब्बा ही बना रहा हूँ मैं, वो नीचे वो जो गर्व है अपना ये फ्लोरिंग कर देगा इसकी। और अब मेरे को छत बनानी है तो वो भी यार बना के मिलता हूँ मैं, मेरे को दो मिनट दो ना। हाँ यार भाई, फाइनली अपना घर बन चुका है। यस गाइस, हमारा घर बन चुका है, हम आपको अभी दिखाते तो हैं। तो भाई घर रिवील इन 3 2 1। सस्ता घर ये डब्बा। वैसे ये बाहर से घटिया पर अंदर से ये देखो कतई लग्जरी मैंशन। यस, अंदर से बहुत अच्छा है। अभी हम सेकंड फ्लोर भी बनाएंगे एक और इसको थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। यस, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल। तो गाइस यार, अगर आपको ये घर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं बिल्कुल मेरे डिस्क्रिप्शन में इसके ये ब्रेड खाने वाले के चैनल की लिंक दे दूंगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है इसके चैनल की। तो प्लीज हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं करा है, और वीडियो को लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन को सेट कर देना ऑन पे ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो चलो यार दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय।